तो गाइस क्या सच में यही हमें फ्री फायर के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन दे सकता है? और इसी को चेक करने के लिए मैं फटाफट चैट जीपीटी ऑन किया और वहाँ पे सर्च किया फ्री फायर के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन। देन मुझे वहाँ से बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले और वहाँ पे मुझे एक से बढ़कर एक कॉम्बिनेशन देखने को मिले। और गाइस मैंने सुना है ये आई आगे चल के इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो गाइस कमेंट करके बताना। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं और ये आई का लगभग 3 कॉम्बिनेशन को यूज करके देखने वाले हैं कि क्या सच में ये आई का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया भी हो सकता है। सो उससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको मन कर रहा है तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना और हो सके तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट भी कर देना। तो आज का हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो एआई ने हमको दिया है, तो इसके एक्टिव स्किल में आलोक और इसके 3 पैसिव स्किल में केली, हयातो और जोटा को। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस कॉम्बिनेशन को पहले भी यूज कर चुका हूं। लेकिन कोई नहीं यार, जब एआई ने हमको कॉम्बिनेशन बता ही दिया तो इसका यूज करने में क्या जाता है। तो मैं सिंपली इस कॉम्बिनेशन का यूज सीएस रैंक में करना चाहता हूं क्योंकि मैं सीएस रैंक बहुत ज्यादा खेलता हूं। और देखो जब मैच स्टार्ट हुआ तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसा कुछ मैच में होने वाला और मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सिंपली जब मैं इनेमी को परस करने गया, उससे पहले गाइस मैं आलोक को ऑन करके ही इनेमी को परस करने गया क्योंकि ऐसा करने से रसिंग करते टाइम आपको मूवमेंट स्पीड एक्स्ट्रा मिलती है जिसकी हेल्प से आप लोग अपने मूवमेंट को बहुत फास्ट कर सकते हो। अगर आपके पास रसिंग करते टाइम मूवमेंट स्पीड नहीं रहेगा तो गाइस सामने वाले इनेमी आपकी कब ले लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब तो गाइस आपको आलोक के साथ इस वाले कॉम्बिनेशन में डबल मूवमेंट स्पीड देखने को मिलेगी क्योंकि एक तो जब आप लोग आलोक को ऑन करोगे तो गाइस आपको मूवमेंट स्पीड मिलेगी और दूसरा आपको केली से मूवमेंट स्पीड मिलेगी जो गाइस आप लोग पैसिव स्किल में सेट किए। और बाकी इस कॉम्बिनेशन को यूज करने में गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में गाइस आप सबको हीलिंग, डिफेंस और मूवमेंट तीनों एक साथ मिलती है जिससे ये कॉम्बिनेशन गाइस हमारा प्रो बन जाता है। तो गाइस एआई ने हमको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है। अब अगर आपके पास इलाइट आलोक रहेगा तो गाइस जब आप लोग आलोक की एबिलिटी ऑन करोगे तो गाइस आलोक कुछ वहां पे नोड छोड़ेगा और उस नोड को जब आपके टीममेट ले लेंगे तो गाइस आपके टीममेट के पास भी आलोक की एक एबिलिटी चली जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आलोक की जब एक एबिलिटी आपके फ्रेंड के पास जाएगी तो परमानेंट के लिए चली जाएगी। अब क्योंकि इसका भी टाइम ड्यूरेशन रहता है तो उस हिसाब से आलोक की एबिलिटी वर्क करेगी। और अब आप लोग इस कॉम्बिनेशन को रेस के लिए यूज करने वाले हो तो गाइस जोटा भी पीछे नहीं हटेगा क्योंकि जोटा गाइस आप सबको रसिंग के टाइम से ही हील करना शुरू कर देता है। तो एक बुलेट बराबर एक एचपी, तो गाइस आप जितने इनेमी को बुलेट मारोगे उसके हिसाब से गाइस आपको एचपी मिलती रहेगी। और अगर आप लोग गलती से किसी इनेमी को नॉक भी कर दोगे तो गाइस आपको 40 एचपी इंस्टेंटली मिल जाएगा। और अब जो हमारा हयातो करेक्टर है इसकी एबिलिटी तो गाइस नल्ले नल्ले को पता होगी क्योंकि मैं भी एक नल्ला हूं। तो इस वाले राउंड में मैं इस कॉम्बिनेशन का यूज करके देखने वाला हूं। तो आलोक के साथ जब मैं इनेमी के ऊपर रस करने जाता हूं तो गाइस मैं पहले ही आलोक को ऑन कर लेता हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि फाइट करते हुए मुझे मूवमेंट स्पीड से मिल नहीं पाती है और फाइट करते हुए जब मैं आलोक को ऑन करता हूं तो गाइस इनेमी मुझे ऑन कर देते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और आलोक के साथ जब मैं रस करने जाता हूं तो गाइस मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और कभी कभी तो मैं हाई कॉन्फिडेंट हो जाता हूं। तो इस क्लिप में मुझे इनेमी का लोकेशन पता है कि इनेमी कहां पे है और मैं यहां पे पूरा घूम के इनेमी को मारने के लिए जाता हूं और साथ ही मेरा टीममेट भी मेरे साथ रहता है तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है। और क्योंकि मैं अपने टीममेट से पीछे हूं तो गाइस इनेमी पहले मेरे टीममेट को मारते हैं और इसी का फायदा उठाया गाइस मैं इनेमी के ऊपर रस कर रहता हूं और जैसे तैसे मैं एक इनेमी को डाउन करता हूं और साथ ही एक और इनेमी को डाउन कर देता हूं। लेकिन अब जो लास्ट वाला इनेमी बचता है उसके साथ मेरा फाइट होता है और अब मैं गाइस इस इनेमी को हल्के में लेता हूं और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं लगातार गाइस इस इनेमी के ऊपर अटैक पे अटैक करता हूं और वो भी इनेमी मेरे पे अटैक करता है लेकिन गाइस अंत में वो इनेमी जीत जाता है और मैं हार जाता हूं। तो ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था जो गाइस मुझे लेकर डूब गया। तो आप लोग भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत खेलना वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। तो गाइस एआई ने हमें वाकई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है, तो मैं बस आपसे एक बात कहूंगा कि आप लोग इस कॉम्बिनेशन को भी यूज करके देख लेना। और अब एआई ने जो सेकंड कॉम्बिनेशन दिया है वो गाइस और भी लाजवाब है। तो बेसिकली इसके एक्टिव स्किल में हम लोग को के को रिकमेंड कर रहा है और फिर इसके पैसिव स्किल में मिगुल, लुक्वेटा और जोसेफ को रिकमेंड कर रहा है। और मैं आपको इस कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि आपको इस कॉम्बिनेशन से औकात से बाहर एचपी मिलने वाली है, तो बस आप लोग देखते जाओ। तो जब आप लोग इस कॉम्बिनेशन को यूज करोगे और जब गेम स्टार्ट होने करेगा ऐसे में गाइस जब आप लोग अपने आइटम को सिलेक्ट करते हो तो वहां से आप लोग ईपी को परचेज करते हो, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको हमेशा अपने केक को एचपी मोड में रखना है क्योंकि इससे जब आप लोग इनेमी के साथ फाइट करोगे उसमें गाइस आपको केक को ऑन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि फाइट करते हो जब आप लोग केक को ऑन करोगे तो इनेमी आपको टपका भी सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग पहले केक को ऑन करके इनेमी के साथ फाइट करने जा सकते हो। तो सिंपली जब मैं इनेमी के साथ फाइट कर रहा था तो ऐसे में मेरा एचपी कम हुआ और जब मैं केक को ऑन किया तो मेरा ईपी भी धीरे धीरे खत्म हो गया। और अब इस कंडीशन में जब मैं के से ईपी बढ़ाने का ट्राई करूंगा तो गाइस बहुत टाइम लग जाएगा और पूरा फुल ईपी भी नहीं बढ़ पाएगा। तो इससे अच्छा कि आप लोग एक इनेमी को एलिमिनेट कर दो जिससे गाइस आपको 200 ईपी मिल जाता है, वो भी आपको एक सेकंड में मिलता है। और अब के से गाइस आप लोग इनेमी के साथ फाइट करते हुए अपने ईपी को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो और एचपी को भी बढ़ा सकते हो। और अगर आप लोग किस राउंड में एक इनेमी को एलिमिनेट करते हो तो आपका मैक्सिमम एचपी में 25 ऐड हो जाता है यानी कि 225 हो जाता है। और अगर दो इनेमी को मारते हो तो आपका जो मैक्सिमम एचपी है वो 250 हो जाता है और गेम में 250 एचपी बहुत होता है। और अब जो जोसेफ है वो गाइस आपको असली ब्लॉकर से बचा सकता है और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जिससे जोसेफ आपको बचा सकता है। वेल ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है। और अब जो एआई ने हमें थर्ड कॉम्बिनेशन दिया है वो गाइस उकोंग कॉम्बिनेशन दिया है। तो अब इसके एक्टिव स्किल में ऑब्वियसली उकोंग को और अब इसके 3 पैसिव स्किल में जोटा, लियोन और एंटोनियो को। और अब इस कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद गाइस मैं
इजिली 1v4 कर लेता हूँ, क्योंकि इसे एक इनेमी को मारने के बाद तुरंत अपना ओकोंग चार्ज हो जाता है। और ऐसा करते हुए आप लोग इनेमी को पूरे स्क्वाड को अकेले ही खत्म कर सकते हो, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में गाइस आपको अटैकिंग के साथ साथ आपको डिफेंसिव कैरेक्टर भी मिलते हैं, और साथ ही इसमें गाइस आपको हीलिंग कैरेक्टर भी मिलेंगे। तो कहीं से अगर आपको डैमेज भी हो जाते हो तो ऐसे में आप लोग खुद को हील भी कर सकते हो, और चाहो तो आप लोग इस कॉम्बिनेशन को बहुत इजिली यूज भी कर सकते हो, क्योंकि ओकोंग का जो टाइमिंग है वो इस अपडेट में कम कर दिया गया है। और अगर आप लोग किसी इनेमी को नहीं भी मारते हो तो भी आप लोग ओकोंग की एबिलिटी इजिली चार्ज कर सकते हो, बस आपको 75 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। और अब आप लोग एक बात और सुन लो कि जब गाइस आप लोग इनेमी के साथ रश करोगे तो ऐसे में गाइस आप लोग अपने साथ कम से कम 3 ग्लोवल रख लेना, क्योंकि ग्लोवल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपको रशिंग करते टाइम। आप लोग कितने भी बड़े रशर क्यों ना हो, अगर आपके पास ग्लोवल नहीं है तो गाइस इनेमी आपको इजिली मार सकता है। और गाइस कोई भी गेम को जीतने के लिए ग्लोवल मेरा बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए गाइस मैं अपने पेट में मिस्टर वेगर को सेट कर लिया, जो गाइस मुझे हर टाइम पे ग्लोवल देता है। तो गाइस मुझे लगता है कि एआई ने हमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है, तो जो चाहो आप लोग उस कॉम्बिनेशन का यूज करो। तो गाइस ये सब देखने के बाद तो आपको एआई की पावर के पता चल गया होगा, क्योंकि ये तीनों कॉम्बिनेशन लाजवाब है। तो गाइस सच में आने वाले समय में एआई कुछ भी कर सकता है। तो गाइस ये हमारा आज का कॉम्बिनेशन, अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को यहाँ तक वॉच किया है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका मन कर रहा होगा तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।